हेलो गाइस, सुपर टेक इन एवरी में आपका स्वागत है। तो लर्नर लाइसेंस बनवाने के बाद फाइनल डीएल कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, तो सारा सब कुछ बताऊंगा वीडियो में, बने रहिए। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, तो सिंपली आपको ब्राउजर ओपन कर लेना, यहाँ पर सर्च करना है आपको parivahan.gov.in पर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर चूज करना है, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको अपना स्टेट चूज करना है। तो यहाँ पर स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर लर्नर लाइसेंस मिलने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपना लर्नर लाइसेंस नंबर डाल देना है, और जो आपने डेट ऑफ बर्थ फिल किया था वो डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर और कुछ चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर देना है और यहाँ पर ओके पर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन फॉर्म सारा सब कुछ आ चुका है। तो यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए जल्दी से यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल्स सारा सब कुछ यहाँ पर बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल कंप्लीट हो चुका है, तो आपको यहाँ पर जाना है डॉक्यूमेंट अपलोड पर। आप सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आपको करना है यहाँ पर लर्नर लाइसेंस का जो डॉक्यूमेंट होता है अपलोड। तो यहाँ पर मैं लर्नर लाइसेंस का ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर चूज फाइल पर यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूँगा। तो मेरा जो लर्नर लाइसेंस है, तो आप PDF या फिर JPG पर भी यहाँ पर अपलोड कर सकते। तो मैं सिंपली यहाँ पर PDF को यहाँ पर चूज करके अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिस भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिए, क्योंकि बाद में ये यहाँ पर प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं व्यू कंफर्म के लिए व्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर अब हम यहाँ पर मेरा ही है, तो अब हम करेंगे कन्फर्म। तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे फीस पेमेंट। तो यहाँ पर मैं सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये रिडायरेक्ट कर देगा फीस पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं सिंपली चूज कर देता हूँ गेटवे। तो यहाँ पर मैं सिंपली कैप्चा यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि पेमेंट करते समय आप प्रॉपर इंटरनेट के साथ कीजिए, और मोबाइल में भी कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान से कीजिए। प्रोसीड टू यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे, आई एग्री टर्म एंड कंडीशन चूज करके। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पर नेट का थोड़ा स्लो है, तो यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग चूज करूँगा। आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट बैंक चूज करूँगा, यहाँ पर कैप्चा डाल दूँगा, यहाँ पर मैं प्रोसीड पर सिंपली क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 773 रुपीज़ यहाँ पर मुझे पे करना है। तो मैं मेक पेमेंट पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर देख सकते हैं मेक पेमेंट पर यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया। यहाँ पर नेट बैंकिंग का साइट पर मुझे यहाँ पर मैं यूजर नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर मैं पेमेंट कर लूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर कंफर्म करके यहाँ पर मैं मेरा यहाँ पर कंफर्म दोबारा करके यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट निकाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट निकाल देता हूँ, क्योंकि ये पेमेंट का स्लिप है, तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट निकाल देता हूँ। आप भी
बाद में भी सेव करके प्रिंट निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। अब हम जाएंगे होम पर, तो होम पर जाने के बाद यहाँ पर दोबारा यहाँ पर एप्लीकेशन का जाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन डिटेल पे, अगर आप कहीं पे भी रुक गए हैं तो एप्लीकेशन स्टेटस पर यहाँ पर चूज करके आप दोबारा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ चूज करके जहाँ से भी आप इनकम्प्लीट किया है वहीं से यहाँ पर आता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर तीनों स्टेप कंप्लीट कर चुका हूँ। अब हम करेंगे लास्ट स्टेप स्लॉट बुकिंग का। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटरसाइकिल विद गियर MCWG के लिए मुझे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर प्रोसीड टू बुक पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लू वाला है, यहाँ पर मैं 24 मार्च को यहाँ पर मैं सिंपली बता रहा है, तो उससे मैं स्लॉट बुक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 65 खाली बता रहा है, तो यहाँ पर मैं प्रोसीड टू स्लॉट बुक यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे देना है मेरा जो एप्लीकेशन पर जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक OTP यहाँ पर, और मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। और यहाँ पर कंफर्म टू स्लॉट बुक यहाँ पर मैं सिंपली चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर स्लॉट बुक हो चुका है, तो मैं यहाँ पर सेव एज PDF पर चूज करता हूँ और PDF में सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर स्लॉट बुकिंग हो चुका है। तो आई होप यहाँ पर आपको वीडियो सारा सब कुछ समझ आया होगा। अगर यहाँ पर वीडियो में कोई भी यहाँ पर डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आया होगा।